विकास नगर में धार्मिक आयोजन में छत्रधारी महाराज दर्शन देने हेतु प्रवास पर निकले शेरकुड़िया महासूद पैदल यात्रा दल रात्रि विश्राम के लिए हनुमत धाम में पहुंचा। यहां से सुबह 25 सदस्यीय दल दसो चालदा महाराज के लिए रवाना हुआ, जहां दल रात्रि विश्राम करेगा। वहां से हिमाचल प्रदेश के खशदार के लिए रवाना होंगे, जहां पर शेरकुड़िया महाराज की डोली वर्तमान में विराजमान है। आपको बता दें कि छत्र के दर्शन हेतु भक्तों ने पूजन कर आशीर्वाद लिया। दल के वजीर ने बताया कि इस यात्रा को लेकर कई मान्यताएं हैं, भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह यात्रा हिमाचल के रोहडू से विकास नगर एवं देहरादून में किसी भक्त के धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर पुनः वापस पचवादून के मार्ग से होकर हिमाचल खशदार के लिए जाएगी। इस मौके पर वजीर जयपाल सिंह देवमाली नारायण दत्त गौड़ कमलेश चौहान नरेंद्र सिंह चौहान हरदयाल सिंह चौहान आयुष चौहान बिशन सिंह रावत आदि सेवा दल के सदस्य एवं हनुमत धाम के समिति के हितेश योगेश रुद्र बहादुर थापा वीरेंद्र सिंह संजय गखड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी ये जो पैदल यात्रा निकाली जा रही है ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? किसी का गृह प्रवेश हो उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए ये यात्राएं की जाती है और कई जगह जो है महाराज को अपनी स्व इच्छा के लिए खुशी से भी निमंत्रण दिया जाता है तो महाराज को खुशी से भी लाया जाता है। महाराज के नियम है ये तो महाराज के अपने नियम है। जब से पूर्व काश में तब से पैदल आते हैं, पैदल ही चलना पड़ता है और गाड़ी नहीं गाड़ी और घोड़े से कोई यात्राएं पैदल नहीं होती है, पैदल यात्रा ही लगाई है। कुल जैसे कि भ्रमण पर निकले हैं तो किन किन जगहों को होते जाएगी ये यात्रा? अभी देहरादून से विकास नगर आज रात्रि विश्राम हुआ, कल प्रातः विकास नगर से चलेंगे दसो के लिए। कल रात्रि विश्राम चालदा महासु के यहाँ रात्रि विश्राम होगा, वहाँ से निकलेंगे खशदार के लिए परसों मॉर्निंग में। फिर वहाँ से त्यूनी होते हुए अटाल होते हुए जो है फिर मीनस होते हुए आपके खशदार हिमाचल प्रदेश फिर अपने जहाँ पे महाराज की पालगी है जहाँ पे विराजमान है इस समय फिर ये महाराज वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे।